सोनी ने अपना एक और इंटरेस्टिंग कैमरा रिलीज किया है A7C के फॉर्म में, और इस वीडियो में हम इस कैमरे का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि ये कैमरा आपको खरीदना चाहिए या नहीं। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल पे हम इसी तरह के कैमरा रिव्यूज के वीडियोस लाते रहते हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए। जब सोनी A7C के रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस आए थे तो सभी ने ये सोचा था कि सोनी एक ऐसा कैमरा बना रहा है जो कि कैनन और निकॉन के एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा कैनन USRP और निकॉन Z5 के प्राइस रेंज में आएगा। लेकिन सोनी ने इस कैमरे का प्राइस इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रखा है। हम इस कैमरे को इस तरह से मान सकते हैं कि सोनी A6000 की बॉडी के अंदर A7 III के फीचर्स को डाल दिया हो और इस कैमरे का प्राइस 1.3 लाख रख दिया हो। इस कैमरे का वेट 505 ग्राम है और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फुल फ्रेम कैमरा है। सोनी A7C कैमरा को फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा होने के बावजूद भी इसकी ग्रिप इतनी हैंडी नहीं है और इस कैमरा को बड़े लेंसेज के साथ यूज करते टाइम इसकी ग्रिप इतनी कंफर्टेबल भी नहीं रहती है। अब A7C की बॉडी टाइप की बात करें तो A7 III के कंपैरिजन में इसकी बॉडी का साइज थोड़ा स्मॉल है, और A7 III के अंदर जहां में व्यूफाइंडर कैमरा के सेंटर में मिलता था, वहीं A7C के अंदर व्यूफाइंडर की लोकेशन को चेंज करके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कर दिया है। एक और चेंज जो सोनी A7C की बॉडी में हुआ है कि सोनी ने कैमरा के फ्रंट से दो कस्टम बटन और एक डायल बटन को हटा दिया है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हमें सोनी A7C के अंदर सोनी A7S III की तरह नया मेन्यू सिस्टम नहीं मिलेगा, हमें इस कैमरा के अंदर ओल्ड मेन्यू सिस्टम ही मिलेगा, जो कि इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज जो अच्छी हुई है कि सोनी ने अपने A7C के अंदर फुली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन दी है, और सोनी को यह फीचर अपने हर अपकमिंग कैमरा के अंदर देना चाहिए। अब सोनी A7C के अंदर सोनी ने मेमोरी कार्ड के लिए लेफ्ट साइड में एक अलग से मेमोरी कार्ड स्लॉट दे दिया है, लेकिन इस कैमरा के अंदर हमें सिर्फ एक कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि UHS II पे वर्क करेगा, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। सोनी A7C कैमरा के अंदर A7 III की तरह ही Z बैटरी यूज होती है, जो कि हमें अच्छी बैटरी लाइफ देती है। सोनी A7C का व्यूफाइंडर बहुत ही छोटा है और इसके व्यूफाइंडर के थ्रू शूट करना भी इतना इजी नहीं है, लेकिन इसके व्यूफाइंडर के अंदर हमें सोनी A7 III की तरह ही 23,59,000 डॉट्स मिल जाते हैं, और इसके व्यूफाइंडर का साइज 0.39 इंचेस है, जबकि सोनी A7 III के व्यूफाइंडर का साइज 0.5 इंचेस है, और इसके व्यूफाइंडर का मैग्नीफिकेशन 0.59 है, जबकि A7 III के व्यूफाइंडर का मैग्नीफिकेशन 0.78 है। इस कैमरा के अंदर हमें 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर मिल जाता है, और इस कैमरा के ISO को हम 2,04,800 तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि हमें लो लाइट्स के अंदर फोटोज लेने में बहुत ही हेल्प करेगा। इस कैमरा के अंदर हमें सोनी A6600 जैसा ऑटोफोकस मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस कैमरा के अंदर हमें 1/4000 ऑफ अ सेकंड की हाईएस्ट शटर स्पीड मिल जाती है, और इस कैमरा से हम 10 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकते हैं, जो कि हमें फास्ट मूविंग सब्जेक्ट के फोटोज लेने में बहुत ही हेल्प करेगा। सोनी A7C से हम 4K के वीडियो को 30 FPS पे शूट कर पाएंगे, लेकिन सोनी ने हमें इस कैमरा से 4K को 60 FPS पे शूट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इस कैमरा से हम फुल HD की वीडियो को 120 FPS तक भी शूट कर पाएंगे, जो कि हमें स्लो मोशन वीडियोस बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियोस के अंदर इस कैमरे का ऑटोफोकस बहुत ही अच्छा है, और इस कैमरा के अंदर हमें नो रिकॉर्ड टाइम लिमिट मिलता है, जिससे कि हम बहुत ही लंबी ड्यूरेशन की वीडियोस को भी शूट कर पाएंगे, और इस कैमरा के अंदर हमें बिल्ट इन टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक लेंस के फोटोग्राफर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और इस कैमरा का लाइट वेट और स्मॉल साइज होने की वजह से इस कैमरा को गिम्बल के साथ यूज करना बहुत ही ईजी है। A7C के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर आप एक फिल्म मेकर और वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं और आप 2.5 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एक A7S III की बॉडी के अंदर, तो
तो आपके लिए A7C कैमरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये कैमरा आपको बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियोस दे देगा। लेकिन अगर फोटोग्राफी के एस्पेक्ट से बात करें तो A7 III के अंदर हमें A7 C के मुकाबले ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिल रही है और उसका व्यूफाइंडर भी A7 C के मुकाबले अच्छा है। तो अगर आप एक फिल्म मेकर हैं तो आपको A7 C कैमरा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपको 14,000 ज़्यादा पे करके A7 III कैमरा को लेना चाहिए। इस चैनल पे हम फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।